ही फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कॉल स्पार्किंग ग्लिटर्स। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ एक और नया लुक, जो एक पार्टी लुक है। वह है बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। आप एक बार देखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, तो इसे देखने के लिए आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए और मुझे बताइए कि आपको ये लुक कैसा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं अपने फेस को एक बार ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ विथ निव्या क्रीम, और उसके ऊपर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे अपनी स्किन के लिए अभी सब चाहिए। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो रखी है, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी। क्योंकि मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि स्किन ड्राई होने की वजह से केकी हो फेस और ख़राब हो जाए। और तो स्पेशली दिस एरिया, ये मेरे काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी, तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी आईब्रो फिल करने से। तो मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से मेबलिन न्यूड्स पैलेट से, जो डार्क ब्राउन कलर है, ये वाला यूज़ करके अपनी आईब्रो फिल करूँगी। नाउ आईब्रोज फिल करने के बाद मैं कंसीलर से आईब्रोज को अच्छा प्रॉपर शेप दूंगी, और प्लस आईलिड्स पे भी कंसीलर अप्लाई करूंगी। कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं कॉन्टोन क्रीम लाइटर शेड। और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और लूज पाउडर की मदद से सेट कर लूँगी। लूज पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ कलाबा का। और लाइटर ब्राउन शेड दे रही हूँ फ्रॉम दिस पैलेट डाइनी ट्रांजिशन शेड के लिए और क्रीज एरिया पे अप्लाई करने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द सेम पैलेट मैं ये ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ E11। तो इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से पिक कर रही हूँ, और इसको सिर्फ क्रीज एरिया में पहले प्लेस कर रही हूँ। अगेन विद पिकिंग दैट सेम ब्राउन कलर और क्रीज एरिया से हार्श लाइन जो दिखे उसे ब्लेंड कर लूँगी, जो ब्लू क्रीज तक है और उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो एकदम मिक्स लगे। ये जो मार्स का मेरे पास एक कलरफुल पैलेट है, इसमें से मैं जो ये ब्लू कलर है, जो थोड़ा डार्कर ब्लू शेड है, ये वाला पिक कर रही हूँ फ्लैट, एंड उसको आउट ऑफ व्यू में प्लेस करके।
इसी के जस्ट नेक्स्ट मैं ब्लैक कलर पिक करके बिल्कुल सिर्फ आउटर वी में पिक कर लगाऊंगी। से जो मैंने अभी मैं कट क्रीज बनाऊंगी तो उसके लिए मैं सेम कंसीलर पैलेट से एक शेड लाइट सा शेड पिक करके फ्लैट ब्रश की मदद से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। इस पैलेट से ये गोल्डन कलर जो है उसे हैंड की मदद फिंगर की मदद से पिक करके द लास्ट थिंग इज टू ब्लेंड दैट कलर टू कलर। सो मैं क्लीन ब्रश लेके सेम कंसीलर जो पर ये मैं स्किन टोन का होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे शेड्स ज़्यादा हाईलाइट्स करने के लिए मैंने लाइटर कंसीलर लगाया तो जो भी मेरे पे परफेक्ट मैच शेड होगा उसको और कंसीलर अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं मैक का की एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से और ऐसे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी स्पेशली अंडर आई। क्योंकि यहाँ पे काफी जल्दी क्रीजेस आ जाते हैं इसे सेट करने के बाद लोअर लैश लाइन पे कलर्स अप्लाई करने की बारी आती है तो एक पेंसिल ब्रश की मदद से सेम जो ब्लू ब्लैक कलर्स मैंने यूज़ किए तो सेम मैं अंडर आई में भी यूज़ करूँगी। सो गाइस लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर इंक लिक्विड लाइनर। ना मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ उसे कलाबार का जूम एंड वॉश मस्कारा। नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ड्यू फेस स्कल्प्टर और इससे मैं यूजुअल प्लेसेस जहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करना पसंद करती हूँ अपने फेस में लाइक जॉ लाइन।
वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज कर रही हूँ, पीची सा शेड है। हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मीनाओ का ग्लो हाइलाइटर। लिपस्टिक तो मैं अपनी न्यू लिप नॉर्मल लिप्स लाइन कर लूंगी। लिप कलर से इसलिए लिप लाइन करती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है। अगर कोई भी लाइट कलर भी आप अप्लाई करोगे अपने लिप्स पे तो वो इजीली पॉपअप होगी। प्योर एडिक्शन लिपस्टिक इन द शेड है पर्शियन गार्डन, सो ब्यूटिफुल पिंकिश नेचुरल टोन। तो ये लुक क्रिएट करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। अगर आपकी रीसेंट में किसी की शादी पार्टीज है तो आप इस तरह का लुक डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, ब्लेंडिंग इज़ द की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लेंडिंग, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही में मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा और किस टाइप के लुक्स आपको देखने हैं, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे उस तरह के वीडियोज़ बनाऊँगी। और प्लस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और उस पर क्लिक करिए, और साथ ही में उसके साथ एक बेल आइकन का बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करिए। और इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।